हे नमस्कार दोस्तों। तो आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ पांच ऐसे बेस्ट ईयरबड्स जो आप परचेस कर सकते हो 1500 रुपये के प्राइस रेट के अंदर। तो अगर आपको एक ईयरबड परचेस करना है और आपका बजट यहाँ पर काफ़ी कम है तो ये वाला वीडियो जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो वीडियो को जो है लास्ट तक देखते रहिए। हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज के मेन टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा, आप जो है हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पर मैं आपको डेली टॉप प्रोडक्ट बेस्ड और ऑफर्स वगैरह बताता रहता हूँ। तो उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहे तो हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के मेन टॉपिक की तरफ। तो यहाँ पर लिस्ट में जो पांचवें नंबर पे ईयरबड्स आ जाते हैं वो यहाँ पर एनवी रिपब्लिक रश X2। ये भी जो है काफ़ी अच्छे ईयरबड्स से काफ़ी अच्छे फीचर मिलते हैं और बैटरी बैकअप वगैरह भी जो इसमें आपको काफ़ी अच्छा दिया गया है। सबसे पहले अगर डिज़ाइन की बात करें तो काफ़ी अच्छा आपको यहाँ पर डिज़ाइन देखने को मिलता है और इसका जो केस है आपको राउंड शेप में देखने को मिलता है। तो राउंड शेप में जो आपको यहाँ पर केस देखने को मिल जाएगा और बर्ड्स वगैरह भी जो है काफ़ी अच्छे है, एनवी रिपब्लिक की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है आपको बर्ड्स पर। तो लुकवाइज जो है बर्ड्स काफ़ी अच्छे आपको देखने को मिलते हैं। साउंड की बात करें तो 10 mm के नियो डायनेमिक ड्राइवर्स का इसमें यूज़ किया गया है जिसमें आपको काफ़ी अच्छी साउंड क्वालिटी देखने को मिलती है और बेस वगैरह भी जो इसमें आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाएगा। तो साउंड क्वालिटी के मामले में जो ये वाले ईयरबड्स काफ़ी अच्छे होने वाले हैं। अगर हम बैटरी बैकअप की बात करें तो इसमें आपको 3 से 4 घंटे का बैटरी बैकअप बड्स में देखने को मिलता है और टोटल जो आपको है वो 20 आवर्स का बैटरी बैकअप देखने को मिल जाएगा केस के साथ। तो बैटरी बैकअप जो है इसमें आपको काफ़ी अच्छा दिया गया है, टोटल जो आपका है वो 20 आवर्स का बैटरी बैकअप देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छी बैटरी बैकअप है किसी भी ईयरबड्स के लिए। और कुछ फीचर्स की बात करें तो ब्लूटूथ वर्जन 5.0 मिलता है जो कि लेटेस्ट वर्जन है जो कि आपको वायरलेस रेंज आपको 10 मीटर तक यहाँ पर प्रोवाइड करा देता है। वॉइस असिस्टेंट का भी फीचर मिलता है जिसकी मदद से आप गूगल असिस्टेंट और सीरी को यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। और इसमें आपको टच कंट्रोल नहीं देखने को मिलता है, यहाँ पर आपको बटन कंट्रोल दिए गए हैं जिसकी मदद से यहाँ पर आप प्ले और पॉज कर सकते हो, म्यूजिक को कॉल एक्सेप्ट रिजेक्ट वगैरह कर पाओगे। और बात करें तो वाले जो बर्ड्स है वाटर रेजिस्टेंट भी है तो ये भी जो है काफ़ी अच्छी बात है। तो ओवरऑल बात करें तो बर्ड्स जो है काफ़ी अच्छी बैटरी बैकअप मिलती है, साउंड क्वालिटी वगैरह भी जो इसमें आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाएगा। लास्ट में अगर प्राइस की बात करें तो 1299 मतलब 1300 रुपये में आपको ये वाले बर्ड्स देखने को मिल जाएंगे। तो ज़रूर से आप इन्हें भी एक बार चेकआउट कर लेना, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के वीडियो में जितने भी ईयरबड्स बताने वाला हूँ सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिए हैं, तो अलग से जाके आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कौन से भी ईयरबड्स पसंद आते हैं तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट ईयरबड्स की तरफ। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट ईयरबड्स आ जाते हैं वो यहाँ पर पेट्रोन बेस बड्स। ये भी जो है काफ़ी अच्छे ईयरबड्स है, अगर आपको सिर्फ म्यूजिक सुनने के लिए या फिर वीडियोस देखने के लिए ईयरबड्स परचेस करना है तो ये वाले ईयरबड्स जो है काफ़ी अच्छे, काफ़ी कम प्राइस में जो आपको काफ़ी अच्छे फीचर्स इसमें देखने को मिल जाते हैं। अगर सबसे पहले इसके डिज़ाइन की बात करें तो नॉर्मल सा डिज़ाइन देखने को मिलता है, फिर भी लुकवाइज जो ईयरबड्स काफ़ी अच्छे आपको देखने को मिलते हैं। अगर साउंड की बात करें तो इसमें भी 10 mm के डायनेमिक ड्राइवर्स का यूज़ किया गया जिसमें आपको काफ़ी अच्छी साउंड क्वालिटी देखने को मिलती है और बेस वगैरह भी जो इसमें आपको काफ़ी अच्छा दिया गया है। अगर हम बैटरी बैकअप की बात करें तो 5 से 6 घंटे का आपको बैटरी बैकअप बर्ड्स में देखने को मिलता है और टोटल जो आपको 20 आवर्स का बैटरी बैकअप देखने को मिल जाता है। तो इसमें भी आपको काफ़ी अच्छा बैटरी बैकअप दिया गया है जहाँ पर आपको 5 से 6 घंटे का बैटरी बैकअप सिर्फ बर्ड्स में ही देखने को मिलता है और केस के साथ जो आपको यहाँ पर टोटल 20 आवर्स का बैटरी बैकअप देखने को मिलता है जो कि काफ़ी अच्छा बैटरी बैकअप है किसी भी ईयरबड्स के लिए और इसे फुल चार्ज होने में 1 से 1.5 घंटे का टाइम लग जाता है। और कुछ फीचर्स की बात करें तो ब्लूटूथ वर्जन 5.0 मिलता है जो कि आपको 10 मीटर तक का वायरलेस रेंज प्रोवाइड करा देता है। पीछे की तरफ जो आपका यहाँ पर बटन कंट्रोल दिए गए हैं जिसकी मदद से आप यहाँ पर म्यूजिक को प्ले पॉज कर सकते हो, कॉल एक्सेप्ट रिजेक्ट वगैरह कर सकते हो और वॉइस असिस्टेंट का भी फीचर मिल जाता है जिसकी मदद से आप गूगल असिस्टेंट वगैरह यहाँ पर यूज़ कर पाओगे। और ये वाले जो ईयरबड्स है स्वीट प्रूफ भी है। तो ओवरऑल बात करें तो काफ़ी अच्छे ईयरबड्स से काफ़ी अच्छे स्पेक्स मिलते हैं, 20 आवर्स का बैटरी बैकअप मिलता है और 10 mm के डायनेमिक ड्राइवर्स दिए गए, तो साउंड क्वालिटी वगैरह भी जो काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है। लास्ट में अगर प्राइस की बात करें तो 899 मतलब 900 रुपये में आपको ये वाले ईयरबड्स देखने को मिलते हैं। तो ज़रूर से आप इन्हें भी एक बार चेकआउट कर लेना, अगर आपका बजट काफ़ी कम है तो आपके लिए जो काफ़ी अच्छे रहेंगे। तो ज़रूर से आप इसे भी एक बार चेकआउट कर लेना, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चले बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट ईयरबड की तरफ। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट ईयरबड्स आ जाते हैं वो यहाँ पर बोल्ट ऑडियो एयरबेस। ये भी जो काफ़ी अच्छे ईयरबड्स है, काफ़ी अच्छे फीचर मिलते हैं, बैटरी बैकअप वगैरह भी जो इसमें आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाता है। सबसे पहले अगर डिज़ाइन की बात करें तो इसमें आपको काफ़ी अच्छा डिज़ाइन देखने को मिलता है, उसके जो केस का डिज़ाइन है वो भी जो काफ़ी अच्छा आपको यहाँ पर दिया गया है। साउंड की बात करें तो इसमें 9 mm के डायनेमिक ड्राइवर्स का यूज़ किया गया है जिसमें आपको काफ़ी अच्छी साउंड क्वालिटी देखने को मिल जाती है, HD साउंड आपको देखने को मिल जाएगा और इसमें माइक्रो वूफर का भी यूज़ किया गया है तो आपको बेस वगैरह भी जो इसमें आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। तो साउंड क्वालिटी और बेस वगैरह भी जो इसमें आपको काफ़ी अच्छा दिया गया है। अगर बात करें तो इसमें आपको लो लेटेंसी मोड भी देखने को मिलता है जिसकी मदद से आप यहाँ पर थोड़ा बहुत गेमिंग वगैरह भी कर पाओगे। बैटरी बैकअप की अगर बात करें तो आपको यहाँ पर 15 आवर्स का बैटरी बैकअप देखने को मिलता है केस के साथ, तो टोटल जो आपको यहाँ पर 15 आवर्स का बैटरी बैकअप देखने को मिल जाता है केस के साथ जो कि एक ठीक ठाक बैटरी बैकअप है किसी भी ईयरबड्स के। और कुछ फीचर्स की बात कर ले तो ब्लूटूथ वर्जन 5.0 मिलता है जो कि आपको वायरलेस रेंज 10 मीटर्स तक प्रोवाइड करा देता है
वॉइस असिस्टेंट का भी फीचर आपको दिया गया है। IPX5 वाटर एंड स्वेट रेजिस्टेंट भी है ये वाले ईयरबड्स। और इसमें आपको टच कंट्रोल का ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसकी मदद से आप अपने म्यूजिक को प्ले पॉज कर सकते हो, कॉल एक्सेप्ट रिजेक्ट वगैरह कर सकते हो, गूगल असिस्टेंट वगैरह यहाँ पर आप यूज़ कर पाओगे। तो ये वाले ईयरबड्स भी जो है काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी अच्छा डिज़ाइन मिलता है, बैटरी बैकअप वगैरह भी जो है काफ़ी अच्छा है, काफ़ी जो साउंड क्वालिटी आपको देखने को मिल जाती है। तो ईयरबड्स जो है काफ़ी अच्छे हैं। लास्ट में अगर प्राइस की बात करें तो 1299 मतलब 1300 रुपये में आपको ये वाले ईयरबड्स देखने को मिल जाएंगे। तो ज़रूर से आप इन्हें भी एक बार चेकआउट कर लेना, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट ईयरबड की तरफ। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट ईयरबड्स आ जाते हैं वो यहाँ पर विंग्स वाइब, ये भी जो एक काफ़ी अच्छे ईयरबड्स है, काफ़ी अच्छे फीचर आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले अगर डिज़ाइन की बात करें तो काफ़ी अच्छा आपको यहाँ पर डिज़ाइन दिया गया है। साउंड की बात करें तो इसमें 6 mm के डायनेमिक ड्राइवर्स का यूज़ किया गया है। हालांकि यहाँ पर ड्राइवर्स आपको यहाँ पर थोड़े छोटे देखने को मिलते हैं, फिर भी साउंड क्वालिटी इसमें आपको काफ़ी अच्छी दी गई है और बेस वगैरह भी जो इसमें आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। और इसमें आपको डुअल माइक दिया गया है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पर आपको डुअल माइक मिलता है, जिसकी मदद से अगर जब भी आप कॉल पर बात करते हो तो काफ़ी क्लियर आपको साउंड सुनाई देता है और काफ़ी अच्छा जो आपको यहाँ पर साउंड क्वालिटी देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर आपको डुअल माइक भी देखने को मिल जाता है। अगर हम बैटरी की बात करें तो आपको 5 से 6 घंटे का बैटरी बैकअप बर्ड्स में देखने को मिलता है और टोटल जो आपको यहाँ पर 24 आवर्स का बैटरी बैकअप दिया गया है, तो काफ़ी अच्छा आपको यहाँ पर बैटरी बैकअप देखने को मिल जाता है। और इसे फुल चार्ज होने में सिर्फ 2 घंटे का टाइम लगता है, तो 2 घंटे आप चार्ज करोगे तो आपको 24 आवर्स का बैटरी बैकअप देखने को मिल जाएगा। और इसमें चार्जिंग के लिए जो है आपको यहाँ पर टाइप सी पोर्ट दिया गया है। और कुछ फीचर्स की बात करें तो ब्लूटूथ वर्जन 5.0 मिलता है, जिसमें आपको वायरलेस रेंज 10 मीटर तक देखने को मिल जाएगा। वॉइस असिस्टेंट का भी फीचर दिया गया है, टच कंट्रोल ऑप्शन मिलता है, जिसकी मदद से आप यहाँ पर म्यूजिक को प्ले पॉज कॉल एक्सेप्ट रिजेक्ट वगैरह कर पाओगे। और यहाँ जो बर्ड्स है IPX5 वाटर रेजिस्टेंट भी, तो ये भी जो है काफ़ी अच्छी बात है। बर्ड्स जो है आपको काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं, काफ़ी अच्छे फीचर्स दिए गए। हालांकि आपको यहाँ पर ड्राइवर्स थोड़े छोटे मिलते हैं, 6 mm के ड्राइवर्स दिए गए हैं, लेकिन आपको यहाँ पर बैटरी बैकअप काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। 24 आवर्स का आपको यहाँ पर बैटरी बैकअप देखने को मिल जाता है। तो ईयरबड जो है काफ़ी अच्छे हैं। लास्ट में अगर प्राइस की बात कर लें तो 1499 मतलब 1500 रुपये में आपको ये वाले बर्ड्स देखने को मिल जाएंगे। तो जरूर से आप इसे भी एक बार चेकआउट कर लेना, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज के लास्ट ईयरबड की तरफ। तो यहाँ पर जो लास्ट ईयरबड्स आ जाते हैं वो यहाँ पर बोट एयरडॉप्स 131, ये भी जो है काफ़ी अच्छे ईयरबड्स है, काफ़ी अच्छे आपको फीचर देखने को मिलते हैं और साउंड क्वालिटी इसमें आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है। सबसे पहले अगर डिज़ाइन की बात करें तो काफ़ी अच्छा आपको यहाँ पर डिज़ाइन देखने को मिल जाता है। साउंड की बात करें तो 30 mm के डायनेमिक ड्राइवर्स का इसमें यूज़ किया गया है, तो काफ़ी बड़े ड्राइवर्स का इसमें यूज़ किया गया है, तो साउंड क्वालिटी आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है और बेस वगैरह भी जो इसमें आपको काफ़ी अच्छा दिया गया है। अगर हम बात करें यहाँ पर बैटरी बैकअप की, तो इसमें आपको 15 आवर्स का बैटरी बैकअप देखने को मिल जाता है टोटल केस के साथ। तो ठीक ठाक बैटरी बैकअप दिया गया है, 15 आवर्स का आपको बैटरी बैकअप मिल जाता है केस के साथ। इसको फुल चार्ज होने में 2 आवर्स का टाइम लग जाता है, तो 2 आवर्स का टाइम लगता है इसे फुल चार्ज होने में। उसके बाद जो आपका यहाँ पर 15 आवर्स का बैटरी बैकअप देखने को मिलता है, और यहाँ पर आपको चार्जिंग के लिए टाइप सी पोर्ट दिया गया है। और कुछ फीचर्स की बात कर ले तो ब्लूटूथ वर्जन 5.0 मिलता है, वायरलेस रेंज अप टू 10 मीटर्स तक दिया गया है, वॉइस असिस्टेंट का भी फीचर मिल जाता है, और ये वाला जो ईयरबड्स है IBW टेक्नोलॉजी के साथ आते हैं, मतलब जब भी आप केस को ओपन करते हो तो बर्ड जो अपने आप ऑन हो जाते हैं, और जैसे आप केस को बंद करते हो तो अपने आप यहाँ पर ऑफ हो जाते हो। तो ऑन ऑफ के लिए आपको यहाँ पर बटन नहीं दिया गया है, आप जैसे केस को ओपन करोगे तो आपके जो बर्ड्स हैं अपने आप यहाँ पर ऑन हो जाते हैं। और वाले जो बर्ड्स है वाटर रेजिस्टेंट नहीं है, तो यहाँ पर आपको एक माइनस पॉइंट देखने को मिलता है। और इसमें जो आपका बटन कंट्रोल दिया गया है, टच कंट्रोल आपको नहीं दिया गया है, यहाँ पर आपको बटन कंट्रोल देखने को मिलता है, जिसकी मदद से आप म्यूजिक को प्ले पॉज कर सकते हो, कॉल एक्सेप्ट रिजेक्ट वगैरह कर पाओगे। तो ओवरऑल बात कर ले तो बर्ड्स काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी अच्छी साउंड क्वालिटी आपको इसमें देखने को मिलने वाली है। 13 mm के डायनेमिक ड्राइवर्स का इसमें यूज़ किया गया है, और टोटल जो आपका यहाँ पर 15 आवर्स का बैटरी बैकअप मिलता है, तो बैटरी बैकअप भी जो इसमें आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। तो बर्ड्स जो है काफ़ी अच्छे हैं। लास्ट में अगर प्राइस की बात कर ले तो 1299 मतलब 1300 रुपये में आपको ये वाले बर्ड्स देखने को मिल जाएंगे। तो जरूर से आप इसे भी एक बार चेकआउट कर लेना, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो, होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर देना।